ये नैनीताल बात की एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ गेम्स वगैरह होते हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए तरह तरह के गेम्स होते हैं यहाँ पर, हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग वगैरह। और ये सामने की ग्राउंड है, ये यहाँ देखे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मार्गला हिल्स पे आ गई, कराची कराची का मार्गला हिल्स है। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नैनीताल में, और नैनीताल जो कि नई सोसाइटी बनी है, टाइम तो हो गया उसका काफ़ी, लेकिन वीडियो नहीं बनाई, जैसे सोचा मैंने इस पर वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को दिखाया जाए। जिन लोगों ने नहीं देखा तो ये देख सकते हैं इस मेरी वीडियो के थ्रू, और इसका आपका पूरा बाइक पे चलते चलते की वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा भी अंदर से सोसाइटी किस तरह की है और किस टाइप की। इस वक्त मैं ग्राउंड पर मौजूद है, क्रिकेट ग्राउंड है ये, आप मेरे ग्राउंड में देख सकते हैं। बाकी ये है कि आगे आपको दिखाते चले कि यहाँ के आपके अंदर अंदर से भी दिखाऊंगा कि अंदर घर के साथ ये बने हुए ये सब दिखाऊँगा वो चले। इसकी शुरू करते हैं। ये है यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड, पूरा नैनीताल का व्यू देख सकते हैं। ये है ब्लॉक ए, ये है क्रिकेट ग्राउंड, और एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है इस टाइम, ये देख सकते हैं आप। ये साध और आयशा भी साथ हैं। साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा। ऐसे ही बैठे हो आयशा, मज़ा आ रहा है देखने में? नहीं, चलिए आप लोग आगे लेके चलते हैं अभी। और ये आप सामने जामा मस्जिद नज़र आ रही है आपको, स्क्रीन पर रहता हूँ बहुत सर। ये जामा मस्जिद, इस पर भी काम चल रहा है फिलहाल, सर्विस जल भी होते हैं। ये है नैनीताल पास की जामा मस्जिद, जिसका कंस्ट्रक्शन काम अभी जा रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए नमाज का टाइम भी हो चाहता है तो नमाज पढ़ लेते हैं यहाँ पर जोर की, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने देखिए पहाड़ी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जोहर यहाँ पढ़ लिया हमने, और अब मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊंगा कि जो बेसिकली यहाँ का जो ओवर व्यू है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी लोकेशन है। ये देखिए ये मस्जिद है, ये मस्जिद से निकलने के बाद बिल्कुल सामने देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल इस्लामाबाद की पहाड़ी आ गई है। ये देख सकते हैं, ये चेक करें, ये बड़ा जुखाना बनेगा भी, पढ़ना इस पर काम चल रहा है। ये यहाँ से आप मस्जिद देख सकते हैं, ये मस्जिद ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए मशीन से कितनी अलग है, और इस पर मस्जिद में भी काम चल रहा है। और ये सामने व्यू देखिए बस इतना खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। ग्रीनरी देखिए बस आप लोग, ये देखिए सामने बिल्कुल आपको क्रिकेट ग्राउंड नज़र आ रहा है, और ये मैं सामने मार्गला की पहाड़ियाँ देख रहे हैं, बस मार्गला हिल्स लग रहा है बिल्कुल। अच्छा ये बिल्कुल सामने यहाँ पर राइडिंग और अंदर गेम्स होते रहते हैं, तो सिर्फ संडेज को होते हैं, बस सामने देख सकते हैं आप गेम सुबह के दिखा दूँगा आपको। ये है पहाड़ियों, और ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू, ये
ये मॉडल बनी हुई और घर के मॉडल, ये जामा मस्जिद, इस पर भी काम चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये जगह देख ली होगी नैनाबाद, उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। वीडियो क्योंकि बहुत लेट में बना रहा हूँ, वीडियो काफ़ी पहले बनाने चाहिए थी मुझे, लेकिन लेकिन लोग जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए अच्छी नई वीडियो होगी। और दूसरा, एक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म है यार। इस साल जो कराची में जो बारिशें हुई थी ना, पूरा कराची डूब गया था, बहुत सारी जगह, हर जगह डूबी डूबी पड़ी थी। लेकिन नैनाबाद ने इस बार ऐसा काम किया गया, नहीं यहाँ पानी रुका ही नहीं इस बार भाई, बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। घर ले ले देख सकते हैं, कोई रहने के लिए आ सकता है, तो बहुत ये भी जगह है भाई। ये मतलब कि मैं कहता हूँ कि भाई कराची में बेस्ट बेस्ट सोसाइटी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। ग्रीनरी के लिहाज से देखे तो बहुत ज़्यादा, बहुत 30% ग्रीनरी है यहाँ पर। और बाकी ये है कि यहाँ काम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। और क्या कह लूँगी, बाकी आप खुद विज़िट करेंगे तो आपको देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं जितने भी तारीफ़ करूँगा, कोई पेड प्रमोशन ये नहीं है, मैं खुद ही आया हूँ यहाँ पर अदे आप लोगों को दिखाने के लिए। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। जब मैं थोड़ा से आगे जाके ना बाइक पे अपनी गोप्रो लगा के आपको दिखाता हूँ पूरा यहाँ का जो होम वगैरह बने हुए, घर बने हुए, ब्लॉग से गुजर के मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, आप देख लीजिएगा। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई अंदर के भी व्यू दिखाए, क्योंकि ये तो मेन जगह है। तो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी, ब्लॉक डी तक जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग चेक कीजिए इस वीडियो को, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।